विक्रमगढ़ आलोट में उपद्रव करने वालों पर बड़ी कार्यवाही। विक्रमगढ़ में उपद्रव करने वालों से होगी सार्वजनिक संपत्तियों के नुकसान की भरपाई। तोड़े जाएंगे आरोपियों के अवैध निर्माण। नमस्कार, मैं हूँ रिया बिपलीवाल और आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज चैनल MP7 न्यूज वेब एंड यूट्यूब न्यूज चैनल। आप MP7 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए रतलाम जिले की विशेष बड़ी खबर। रतलाम के विक्रमगढ़ आलोट में धार्मिक स्थल पर पूजा करने को लेकर हुए विवाद को लेकर प्रशासन ने सख्त कार्यवाही की है। उपद्रव कर सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने के मामले में पुलिस ने 32 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं मध्य प्रदेश लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के अंतर्गत उपद्रव में सार्वजनिक संपत्तियों को पहुँचे नुकसान की भरपाई भी इन आरोपियों से की जाएगी। आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड की जाँच के साथ और अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्तियों पर भी कार्यवाही की जाएगी। गौरतलब है कि 9 जनवरी को धार्मिक स्थल पर पूजा करने की बात को लेकर हुए विवाद में दो पक्ष आपस में भिड़ गए थे, जिसमें लोगों की भीड़ में बिजली विभाग और एक किराना व्यापारी की संपत्ति को नुकसान पहुंचा था। उसके बाद आलोर थाना पुलिस ने कार्यवाही करते हुए इस मामले में 32 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह था मामला। दरअसल 9 जनवरी की रात विक्रमगढ़ आलोट में एक धार्मिक स्थल पर पूजा करने की बात को लेकर विवाद खड़ा हो गया था। विवाद इतना बड़ा कि आक्रोशित भीड़ ने पथराव कर आसपास की दुकानों और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था। सूचना मिलने पर पुलिस के आला अधिकारी फोर्स के साथ गाँव में पहुंचे। उत्पात करने वाले लोगों को हिरासत में लिया था। घटना के अगले दिन कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम और SP गौरव तिवारी भी विक्रमगढ़ पहुंचे थे और स्थानीय लोगों से बातचीत कर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की थी। घटना की गंभीरता को देखते हुए उपद्रव करने वालों पर सख्त कार्यवाही करने के निर्देश भी अधिकारियों ने दिए थे। इसके बाद मध्य प्रदेश लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के अंतर्गत यह कार्यवाही की गई है। उपद्रव करने वाले 32 आरोपी गिरफ्तार। अवैध संपत्तियों पर होगी कार्यवाही। लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए आरोपियों से सार्वजनिक संपत्तियों के नुकसान की भरपाई की जाएगी। उपद्रव करने वालों ने बिजली विभाग के इलेक्ट्रिक पॉइंट में तोड़फोड़ और आग लगने के साथ किराना दुकान में भी तोड़फोड़ की थी, जिसके नुकसान की भरपाई अब आरोपियों से ही की जाएगी। वहीं गिरफ्तार किए गए आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड की जांच के साथ इनके द्वारा गलत तरीके से अर्जित की गई अवैध संपत्तियों पर भी कार्यवाही की जाएगी। रतलाम जिले की खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए हमारे साथ MP7 न्यूज़।